और ये घड़ी के साथ एकदम मल्लू अंकल लग रहा है। थिएटर ग्रुप में मिली थी और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं तो आप इंटरेस्टेड हो क्या, फिर वैसे मैं ओबीसी से इंट्रोड्यूस हुई। पहला सवाल यह है कि ओबीसी आपने ज्वाइन कैसे किया? समीक्षा के थ्रू। नहीं, मैं ऐसे ही बैठा था, मतलब आई गेस कॉलेज में मिले थे हम लोग, तो उसने बोला था कि ओबीसी करके है, मैं और राज हम लोग है उसमें, तो हम लोग ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे तो इंटरेस्टेड है क्या, और तो मैंने सोचा कि कर रहे थे, देख लेते कि कैसा रह गए। मैं थिएटर ग्रुप में था सेम बार जहाँ पर मैं कश्यप से मिला, हम ऐसे ही बातें करते करते फ्रेंड्स बने हैं, अंदर वो बता रहा था कि उसको कुछ चैनल बना रहा है, सो उसने उसे मुझ में फायर दिखा एंड देन वैसे जाके हम लोग ने फिर सोचा कि हाँ चलो चैनल बनाएंगे, दैट इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड। द थिंग इज कि शुभम वॉज माई फ्रेंड फ्रॉम रोटराक्ट, ओके, एंड शुभम को पता था कि आई डू एडिटिंग एंड फोटोशॉप एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड शुभम पिच्ड माय नेम टू राज कि उसको कुछ तो इंट्रो का एडिटिंग करना था बेंचमार्क टेल्स का, तो वो राज मेरे पास हेल्प मांगने को आया उस चीज़ का, सो आई वाज लाइक ठीक है मैं भी करूँगा, एंड हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया एंड देन मेरा इसमें ऑफर किया सुट्टा, मेरा फर्स्ट फिल्म। समीक्षा से मैं मिला था तो उसके बाद कुछ एक दो महीने बाद मैंने उसके एक पोस्ट के ऊपर देखा और वो लाइक कास्ट एंड क्रूज देख रहे कुछ वेब सीरीज़ के लिए, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया और फिर उसको पूछा कि अगर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ तो। सो समीक्षा इज माय कॉलेज फ्रेंड, वी यूज्ड टू बी इन कॉलेज टुगेदर, वी डिड अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड अलीशा, सो शी वाज द लीड इन दैट मूवी एंड सिंस शी इज द को-फाउंडर ऑफ ओबीसी दैट्स हाउ वी मेट एंड ऑफ कोर्स शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू राज एट अ पार्टी and then things kicked off. The real version of the story is I just went to Raj and said, if you don't hire me for OBC, I'll kill you. OBC, you must have seen me in the Benchmark Tales, you know. You know, the Benchmark Tales was a grand success and after that we are all huge celebs and you know, our subscription has crossed more than 1,000 subscribers and sub views to apne lakho karodo mein. So you know, just out here interacting with the fans. So I have one dude over here. Let's see what he has, yeah. Hey bro, so have you seen OBC? Hey, help! अरे अरे भाई साहब, अरे ऐसे क्या कर रहे हो? अरे अरे. Okay, so you know, I don't think he knows about OBC. So you know, just let it be, you know. Loser साला. Actually, मेरे को ना ऐसा feeling आता था जब start हुआ कि because कश्यप सबसे बड़ा था तभी, तो लगता था कि बड़ा है वो ऐसा बच्चों को लेके घूम रहा है, जैसे टीचर्स बच्चों को लेके ऐसे पार्क में किधर लेके नहीं जाते, वैसे हम लोग कश्यप ऐसा वो ऐसा लेके जा रहे कि अच्छा चलो बच्चों अभी बेंचमार्क की शूटिंग पे जाना है, अभी हमको ये शूट करना है, हमको वो शूट करना है, एंड दैट टाइम शूटिंग वाज लाइक हो शूटिंग प्रो साइड टू प्रो फीलिंग आता था, तो हाँ ऐसा स्टार्ट हुआ था। मुझे बहुत कम क्वेश्चन पूछो, इसको ज्यादा पूछो। एक ऐसे क्या कर रही हो आश्रय? मेरे पास है ही नहीं स्टोरी, मैं क्या बोलूं, और ये रेफरेंस मुझे नहीं आता। हाउ वाज इट लाइक व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड ऑफ? पहले तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने ना कभी थिएटर किया है ना एक्टिंग किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस मेकअप का थोड़ा नॉलेज विलेज था, तो स्टार्टिंग में आई वॉज क्लूलेस, बट राज कश्यप के वजह से सब मुझे समझा धीरे धीरे कि क्या रहता है प्रोडक्शन, क्या रहता है ये वो, तो बाद में जाके मुझे बहुत कुछ समझा। सबका एक ऐसे सपना होता ही है कि हमें यूट्यूब चैनल बनाना है, तो ऐसे जब हम प्रोमो शूट कर रहे थे बेंचमार्क का, तो मैं से एक रात पहले मैं सो, मतलब इतनी नर्वसनेस था, इतनी मैं खुश थी कि ये फाइनली मेरा यूट्यूब चैनल। आई वुड लाइक टू टेल पीपल दैट बिफोर ओबीसी हैपेंड आई हैड अनदर चैनल देसी मुर्गे, वो चैनल बंद हो गया था एंड देन आई टुक अ इयर्स ब्रेक, आई वेंट बैक टू डूइंग थिएटर एंड देन आई मेट यू गाइस,
So I was like, let me get them, let me make a team with them and let me restart this channel, let me revamp the name and the branding. And that's how OBC happened. And the benchmark tales, I had made it early on in my previous channel and it was really shitty. But I believed in the concept and I thought ki this deserves more. So I rewrote it and we restarted the channel with the benchmark tales. Raj, जैसे workshop बोल के SIS में आया था तभी पहचान हुआ था तो workshop मैं तब तक attend नहीं किया था कभी तो first time workshop कुछ है अच्छा देखते हैं सोच के attend किया था. It was something totally new to me क्योंकि मैं ऐसे एक platform में पहले कभी आया नहीं था. Toughest, हाँ मेरे को याद है हम जब reality shoot कर रहे थे एक हमारी शॉर्ट फिल्म है द रियलिटी. सो उसमें देयर इज दिस एक्शन सीक्वेंस. ब्रो मेरे को बहुत गंदा लग रहा है. मैं रोल बोलेगा अभी. ब्रो उधर जाएंगे हम. हां एकदम वो लग रहा है. ठीक है वो उधर जाएंगे अभी. आई वाजंट सपोज्ड टू प्ले दैट कैरेक्टर. ओके दिस इज आल्सो फनी. Somebody else was supposed to play that character. लेकिन तो तीन दिन का स्केड्यूल था. पहले दिन वाले शूट पे ना वो एक्टर आया ही नहीं. And Jaideep is freaking out. He's like, fuck, what do we do? And Jaideep is like, Raj, tu kar le. And I'm like, dude, I mean, sirf kyunki main idhar baitha hu, doesn't mean, haan, Raj, tu kar le. And it just happened. And then I hadn't practiced those action scenes. And they were really painful. So, Raghav ko mereko ek portion hai, jahan utha ke mereko patakta hai. And I wasn't being able to do it, kyunki mere mind mein wo block tha. But eventually, when we took the shot, I just told him कि तू इतना practice मत कर बस ले वो हो जाएगा and then it happened thankfully. Yeah. Toughest shot definitely has to be the annual day one take in Karma. Yeah, it was definitely a big task to first plan it and to shoot it and because all the 12 characters had to be coordinated with each other very nicely. It was pretty challenging. जब ये हम सुट्टा शूट कर रहे थे और जयदीप पर डायरेक्ट कर रहा था. मुझे सिर्फ गाड़ी से उतरना था बस दैट्स इट. एंड मैंने कभी एक्ट नहीं किया था लाइफ में नहीं किया था कैमरा के सामने. एंड ये लोग मतलब तुझे कुछ नहीं करना तुझे बस उतरना है और जाना है. मैंने बस ठीक है आई विल डू इट. मैंने शायद 45 मिनट्स भी नहीं एक घंटा कुछ लिया रहेगा मैंने इतना सा सीन शूट करने के लिए. उसका BTS भी है हमारे पास. टर्न हाय उस तरफ से. अरे 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 श्रेया तुम्हें गाड़ी से उतरना भी नहीं आता. काफी टफ काफी टफ. संकल्प. Oh God, Sankalp, yes. Sankalp was, oh God, बापरे. उसमें time कम था and हमें कैसे isolated घर में shoot कर रहे थे उस time पे. हाँ काफी ना. हाँ तीन दिन straight we were in that house, we were shooting. बाहर कुछ दुकान वगैरह नहीं है. It was just that और वो house type है उसमें काफी stress हो रहा था. Jungle के अंदर था वो. हाँ. Oh God. कुछ नहीं था उतना network कुछ नहीं घर में network भी नहीं. तो यार that was really stressful and ये था वो. And एक था कर्मा के टाइम हम जब पार्किंग में शूट करने वाले थे. वो सुना तूने? होगा कुछ चल ना. नहीं नहीं चल. क्या? चल चल. संकल्प देखा था तभी मैं शूट पे आया भी नहीं था. बट व्हेन आई सॉ संकल्प मेरे को लगा कि यार जिस हिसाब से ये प्रेजेंट किया गया है कि इसके इसको शूट करते टाइम कितना डिफिकल्ट हुआ रहेगा बिकॉज जो शॉर्ट्स हैं और all the actors and everything. तो उसका लगा मेरे को इसका difficulty level काफी high हुआ रहेगा. just imagined in my head. जो कर्मा हम लोग shoot कर रहे थे
तो कर्मा के टाइम जो पहला शॉट था जिसमें मैंने याद खा था, तो वो प्लान भी बहुत अलग लेवल पे किया था. सोच तो लिया लेकिन अब ये करे कैसे. तो वो एक पार्ट मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे थोड़ा मुश्किल था. अब देखा जाए डायरेक्शन जब करने बैठते हैं और टफेस्ट तो ओएस भी बन जाता है कभी कभी. बट जिसका सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा टेक्स लगा था दैट वाज रियलिटी में जब वो निधि उठती है अपने ड्रीम से फाइनली. उसको 13-14 टेक्स लगा था. वो काफ़ी टाइम लगा बिकॉज वो टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था. एंड द सेकेंड वॉज संकल्प के टाइम पे व्हेन वी आर ड्रैगिंग द डेड बॉडी. उन्होंने कारपेट बिछाया और कारपेट के ऊपर कैमरामैन को बिठाया एंड देन उस कारपेट को उन्होंने कपड़े से कवर किया ताकि वो कपड़ा दिखे ना कारपेट का. एंड देन महेश जी इज ड्रैगिंग द डेड बॉडी. बेसिकली द मोस्ट एम्बैरसिंग पार्ट वॉज दैट लास्ट ईयर ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे मेरे घर पर पुलिस आ गई थी बिकॉज वी मेड दिस वन शॉर्ट फिल्म विच वॉज इट हैड सम कॉपीराइट इशूज. एंड तो घर पर पुलिस आई और बहुत सीन हुआ. मेरी मम्मी रोने वोने लग गई और फिर मेरे पापा आए ऑफिस से और मेरा पापा बोल रहा है तूने क्या कर दिया यार तू कैसा चूतिया ऐसे वैसे. एंड देन ही जस्ट शाउटिंग एट मी एंड देन ही सेज कि यार एक तो तुम लोग ऐसे भी सब कचरा बनाते हो. ये देखो कुछ इज्जत ही नहीं अपनी. कुछ इज्जत नहीं है. और वो मेरे को तब अचानक बहुत गुस्सा भी आ गया मतलब हाउ कैन यू से दैट. और फिर अगले दिन हम पुलिस स्टेशन गए तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी मॉम को मैंने बुलाया था वो वेरी रिप्यूटेड लॉयर और वो मेरा साइड लिए जा रही. वो बोल रही है कि दिस कैन बी फिक्स्ड वी कैन स्टिल रिलीज द फिल्म एज आवर प्रॉपर्टी. एंड माई पेरेंट्स लाइक नहीं 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 हम नहीं करेंगे ये वो. एंड लाइक देर वॉज नो रिगार्ड फॉर ऑल द हार्ड वर्क वी हैड पुट इन एंड दैट वॉज रियली अपसेटिंग फॉर मी एंड फॉर द एंटायर टीम. एंड वी इवेंचुअली कुडंट रिलीज दैट फिल्म एंड वी हैड टू डिलीट इट फ्रॉम लाइक एवरीवेयर. तो द थिंग इज़ कि व्हेन आई जॉइंड ओबीसी तो पहले इसमें मैं वो कट करने को हम लोगों को दिया था ऐसे जो इंट्रोडक्शन के सीन के लिए. सो व्हाट हैपेंड कि आई वाज इन द वॉक विद माय फ्रेंड अक्षय तो राज के साथ वो समीक्षा चल के आ रहे हैं एंड मुझे अवॉइड करना था. मैंने उसको बोला था कि ब्रो मैं बहुत बिजी हूँ एंड आई वॉजेंट एक्चुअली बिजी मुझे घूमना था टाइम पास करना टू रोम अराउंड. तो सामने से मुझे दिखा राज कश्यप आते हुए विद समीक्षा. हंसो मत सब लोग. तो सामने से राज कश्यप आते हुए देखा एंड आई हैड टू हाइड क्योंकि मैंने बोला कि मैं बिजी हूँ. मैं जाके पीछे गमले के बीच छुप गया. द वॉक में गमला है. वाह बेटा वाह. तो फिर क्या हुआ. और मुझे एक हफ्ता पहले भी पता चल रहा है पूरे टीम का जब मीटिंग हुआ सबके सामने पता चल रहा है कि राज कश्यप ने मुझे छुपते हुए देख लिया था. एंड समीक्षा लाइक इसके साथ काम ही नहीं करना है ये बंदे जो ऐसा छुपते हैं हमसे अवॉइड कर रहे हैं हम लोगों को अभी से ही इसका काम ही नहीं करना फ्यूचर में काम ही नहीं करना. राज इज ऑल्सो लाइक हाँ हमें नहीं करना चाहिए एंड ऑल. एंड तब मैंने फर्स्ट फिल्म भी नहीं बनाया था अपना. कट्टू तीन साल बाद चार शॉट इन रेडी है और सबसे ज़्यादा तीन साल का एक साल कर्मा के एक जो इन्वेस्टिगेशन सीन है जब ही रामपाल वो चिल्लाता जो उसे जोर से चलाता है कि पूरा साउंड मतलब कान सब बंद हो जाता है मेरा दो मिनट के लिए बंद हो जाता. बहुत हंस रहे हो बोलो. संकल्प वाला ही है. शाम को 7:30 बजे संकल्प रिलीज होने वाला था एंड तो मेरे पास फाइनल कट आया अपलोड करने को. जयदीप मेरे को कॉल करके बोलता है कि सुन यार वो सीन में एक कैप्शन डाल दे फ्यू आवर्स अगो. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने फटाफट खोला और मैं बहुत घाई में था एंड आई वाज लाइक फक अपलोड करना है लेट हो जाएगा. सो आई जस्ट फ्यू आवर्स अगो करके अपलोड करके रिलीज हो गया. सब बोल रहे अरे बहुत फॉर्ड फिल्म है और मैं सोच रहा हूँ वाह वाह सही है. और फिर आई थिंक गुटका फर्स्ट मेंशनड इट. गुटका मेरे को एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करता है बोलता है अरे क्या है कश्यप. मैंने देखा और इट वॉज फ्यू आवर्स एज.
नमस्कार कामले बाबू, वो संकल्प है ना, मतलब वो अपलोड हो गया एंड देन आई एम लाइक डूड मैं अभी इसको हटाने नहीं वाला क्योंकि इट उसके व्यूज इतने फटाफट बढ़ रहे थे सो आई डिडंट वांट टू लूज आउट ऑन द व्यूज सो आई डिडंट रिमूव इट एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग इट आउट कि व्यू वाज एज एंड आई ओके फाइन डील विद इट. जब बेंचमार्क शूट कर रहे मेरा इंट्रो सीन ठीक है एंड आई एम सपोज टू कम आउट रनिंग और बोला आए पकड़ो मार चुत को एंड देयर सपोज टू फॉलो मी व्हेन आई से पकड़ो मार चुत को उठ के उनको ही मेरे साथ आना है. तो फाइट हो गई, मैं वहाँ से भाग के आया, मैंने पहले वो डोर के पास में चिल्लाया, मैंने पकड़ो महासुर को, कोई रिएक्ट नहीं किया तो मुझे लगा शायद किसी ने सुना नहीं है. मैं दौड़ के आया इधर यहाँ पर खड़े रहकर मैंने बोला अब पकड़ो महासुर को, नोबडी रिस्पॉन्डेड, ऐसा डेड साइलेंस एंड आई डेंट नो कि तभी करना क्या बिकॉज कोई कट बीट बोला नहीं सब एंड देन मेरे को लगा कि एक्चुअली वो खराब टेक था बिकॉज कोई रिएक्ट नहीं किया. अबे पकड़ो महासुर चौथ को, अरे सुना नहीं क्या, अरे पकड़ो महासुर चौथ को. कट्टू जब ट्रेलर रिलीज होता है, ट्रेलर खत्म होता है, वही सेम शॉट है. सो नाउ यू सी मी कमिंग आउट रनिंग, अरे पकड़ो मार चोट को, नोबडी रिएक्टिंग, आई कम आउट अगेन, अरे पकड़ो मार चोट को, नोबडी रिएक्ट्स अगेन. रियलिटी में व्हेन राज कश्यप गेट्स अप ऑन द बेंच, तो जब हम लोग स्लाइडर को ऐसे पूरा पीछे लेते हैं, स्लाइडर दिखता है कैमरा में, किसी ने नोटिस नहीं किया वो, बट दैट इज अ फनी मिस्टेक, मतलब हम लोग नोटिस खुद को नोटिस नहीं हुआ. एंड द सेकेंड वॉज की एक्शन सीन के अंदर एक पंच असली है इन विच राज कश्यप ऐसा पंच कर रहा है एंड राघव का सिर पूरा का पूरा पूरा पीछे वॉल पे लगा है एंड वो हमने उधर ही कट कर दिया था. बट जब हम लोग एक्शन सीन को उसको एडिट कर रहे हैं तो वो पंच एक इतना रियलिस्टिक पंच लग रहा था कि हम लोगों ने उसको फाइनल टेक में डाल दिया. सो आई डोंट नो इट्स अ मिस्टेक, बट हाँ वो ऑन सेट तो मिस्टेक था बट फिल्म में मिस्टेक के जैसे नहीं आया वो. राज कश्यप तो बहुत परेशान करता है उसको, मतलब परेशान कि भाई साहब टेक्स्ट फॉरवर्ड करेगा कि ये काम करना है तो लाइक हर दिन भाई कर कूल लूट करेगा, मैं टेंशन मत ले तू. स्ट्रिक्ट पर्सन डूड, व्हाई एम ऑल द बैड थिंग्स, आई एम नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल, आई विल टेल यू हु स्ट्रिक्ट, समीक्षा इज वेरी स्ट्रिक्ट, या स्टॉप सेइंग नो Fuckers. And Jaideep is very strict. Otherwise, he's very friendly, but when shooting, he's very strict. He shouts at me and he forgets that I'm the producer, dude. Raj Kashyap. Aur aisa kyun? Toughest isliye hai kyunki wo wahi lead kar raha hai puri team ko ya jo bhi hai management, to wo kar raha hai aur kuch galti ho jaye to sabse pehle chillane wala ek hi banda rehta tha, wahi Raj Kashyap. तो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो अभी राज आएगा तो क्या होगा वैसा. I've heard Jaideep gets a bit strict on set, not being on set with him. You can say Raj is a bit strict sometimes, but that is only when he's stressed. But मेरे हिसाब से जयदीप का direction वो सब देखने में और पता वो सब handle करने देखने में बहुत अच्छा लगता है. And like देखते ऐसा लगता है भाई इधर कोई rule करने जैसा कोई है खड़ा है, मतलब हंस के रुकेगा बट फिर भी वो शक्ल देखने को डर लगता है. काफी ऑप्टिमिज्म के साथ मैं अपना ही नाम लूंगा ऐसा मेरे को लगता है. एंटरटेनर आई वुड से आशीष केने एंड राज कश्यप. शुभम के साथ मैंने काम नहीं किया सो आई कांट से. मजा क्या, कौन सा मजा? I enjoy with everyone and the people with whom I don't enjoy are no longer a part of OBC. You know who you are if you are watching this. Like the entertainment does not come from one person, it comes from a situation. Me myself. Okay. Subscribe karo bhai. Please share karo. Matlab hum bhi bahut उस लेवल पे अभी बहुत स्ट्रगल करके हम सारी चीजें एक वीडियो के लिए भी हम बहुत स्ट्रगल करते हैं. वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन यू गाइस एंड वो हाहा वाला एंटरटेनमेंट नहीं है बट दिस आर काइंड ऑफ क्वालिटी एंटरटेनमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू गिव एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग अस बिकॉज सबसे ज्यादा व्हाट एन ऑडियंस कैन डू फॉर अस इज गिविंग अस सपोर्ट. तो वैसे एक्चुअली जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे हम बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चैनल की ग्रोथ के लिए.
अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ऐसे क्रिटिसिज्म जरूर चाहिए रहता है, एंड वो हमारी ऑडियंस और हमारी टीम दोनों ने दिया है. सो आई थिंक दैट वाइज दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. हम लोगों को मिस्टेक्स हमारा 100 पता है, आप लोगों को 4 दिखेगा, एंड देर आर सम रीजन वी कुडंट डू दैट, देर ऑलवेज सम रीजन. बट ऑन सेट बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्यूरिंग शूट, बिफोर शूट. फाइन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म इज इम्पॉर्टेंट, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उसको पकड़ के अगर तुमने ये वीडियो शेयर नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. दैट इज नॉट बीइंग सपोर्टिव टू ओबीसी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इधर मेहनत बहुत जा रहा है, मतलब लोग रात रात भर सोते नहीं हैं, 4-4 बजे जाग रहे हैं. सो ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें छोटी सी 10 मिनट की चीज़ में 1 महीने का वर्क गया, 1-2 महीने का काम गया. Then please share it with others. If we reach to a larger audience, it opens doors for us to create more better stuff. Because the more audience you have, the more people are willing to put their money, their time on you. There are stories we want to tell, but we cannot tell because of the budget issues, because of the crew issues we have. So if we have larger audience, we can try making those things. So please share. It really means a lot. It helps grow us as a channel and deliver better stuff for you. Yeah. और पूछो, मैं पेंटिंग लेकर आया हूँ अपना यार. ये तो बहुत गिरा है पेंटिंग. अच्छा ठीक है, ज्यादा हो गया. मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहता हूँ खुशबू. मैं भी. सच में? कर लिया रिकॉर्ड ये. बोलिंग. एक्शन. बोलिंग. नहीं आशुतोष, आशुतोष मत कर, गिर गए. अब मैं जाके राघव के साथ मेकआउट करता हूँ. हाँ जानू, कभी हमको भी ऐसे आई लव यू बोल दिया करो. आ सर बोल तो. यार ओ यार डैडी, वो बी माय शुगर डैडी. साला हिंदी सीरियल और ये सब इंग्लिश, तेरी इंग्लिश पिक्चर बंद करनी चाहिए. पूरा का पूरा पागल खाना है यहाँ पर. अभी यहाँ रात में मेरी. अरे भाई चुप जा. अरे राजीव, ओ भाई आजा सेक्स करते हैं. कट. नींद से निकल के, शौक से उभर के, मिले जहां पर फूफट उड़ गया. आलों को दिखा के, फेस को छुपा के. ये देखो कुछ इज्जत ही नहीं अपनी. इज्जत नहीं है. क्या इज्जत करने लायक आदमी होना चाहिए. अच्छा यहाँ फ्रेम फ्रीज हो जाएगा. जितनी भी हाफ एन आवर, मुझे बस आशुतोष को एक मैनुस्क्रिप्ट दिखानी है. ठीक है. क्या जयदीप, क्या सीन बे? तू क्यों आया? अच्छा तू भी चालू क्या? दिल पे आग लगा गई, करंट मार गई. आए हाय तेरे फोटो को, तेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले. आए हाय चिपका ले मेरी जान. अरे अरे एटीट्यूड का नंबर.
तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा टूटा ही कहीं। आए हाय क्या लचक है। ओए स्माइल कर रही है भाई। हाय स्माइल कर रही है। तू जरा नंबर शंबर तो दे दे। ओए खोतिया फिर सिनेमा देख रहे हैं। रुक बुलाता हूँ तेरी बेबे नू। ओ बी सी। हे गाइस सो दिस वाज दिस वाज एप्स। हे गाइस सो होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस वाज द जर्नी ऑफ ओबीसी हाउ वी गॉट टुगेदर एंड वी थॉट वी शुड शेयर दिस विद यू। एंड प्लीज वॉच कर्मा एंड द बेंचमार्क टेल्स। दे आर पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स। Don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to know all about cinema. Bye!